ش بالله السميع آلاموري روز الشيطان چار پوقالوي بسم الله الرحمن الرحيم عزيزان محترم برادران ایمانی नमाज़ पढ़ने से पहले हमारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आवाज़ दी जाती है जिसे हम अज़ान कहते हैं जो कि इतला होती है इन्फॉर्मेशन होती है मुस्तबा में से है सुनत रसूल सल्लाम से है कि उसे अज़ान कहा जाता है अज़ान की फसलें हैं कुछ हमारे नज़दीक है कुछ हमारे बरदरान के नज़दीक हैं मगर हम पर ये एतराज़ होता है कि आप अज़ान में अशद अमीरमीना अली नवर की गवाही देते हैं और एक आपका और इजाफा है हया आला खैर आमल देखें कुरान मजीद में आयात मुबारक हैं कि जब भी तुम शादत दो तो तीन शातों का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है आयम तहर ने भी तीन शातों का जिक्रदीक किया है इमाम सदक रहतम से भी बहुत रवायात मरवी हैं कि जब भी तुम अशदाश्रशद महमद रसोल्ला का की गवाही दो तो तुम पर फ़र्ज है कि तुम अली की बिलायात की भी गवाही दो तो अजान में जब हम अली की बिलायात की गवाही देते हैं तो इतराज़ होता है इतराज़ आपका अपनी जगह पे आप अली की गवाही अजान में दे ना दे हमने आपको कभी आप पर इतराज़ नहीं किया लेकिन आपकी भी एक बदात में से एक बदत है कि असलात खैरुन नौम आप हर सुबह को हमारे हमें सुनने को मिलता है लेकिन हमने कभी भी आप लोगों पर एतराज़ नहीं किया अब रहा मसला हया आला अमल का कि शीने अली अपनी जबान में हैया आला खैर आमल कहते हैं सबसे पहले मैं यर्स करता चलूँ कि हैया खैर अमल का तर्जुमा क्या बनता है कि हैया आला खैर आमल, आमल के आओ बेहतरीन अमल की तरफ आओ आओ नेक अमल की तरफ आओ यानी कि नमाज की तरफ हम इशारा करते हैं कि नमाज से बेहतर कोई आ, अमले खैर नहीं है खैर का अगर कोई अमल है तो अल्लाह ताला की नमाज़ है अल्लाह ताला की इबादत है कि जो कि पांच वक्त हम अज़ान में कहते हैं हैया अला खैर अमल अब रहा ये मसला कि सिर्फ़ शिया ही हैया खैर अमल कहती हैं या और भी तो हजन महतरम मेरे सामने किताब है किताब मोता इमाम मालिक है उसमें हज़रत अब्दुल्ल अबन उमर रज जब भी अजान देते थे तो अपनी अजान में हयाफ़ला के बाद फ़ौर कहते थे हया हत उमर की यह सुन्नत से है कि वह जब भी अजान देते थे अपनी अजान में वो कहा करते थे हया अला खैराममल यानी कि हया खैरमल कहना यह सहाबा की सुनत है अहबा के दौर में हया खैराममल राय था लोग अजानों में देते चले आ रहे थे मगर अल्लाह जाने कैसी कैसी मजबूरियाई कैसी हुकूमतें आई कि उन्होंने अजान से इन अल्फाज को अलग कर दिया यानी कि अब जब भी अज़ान दी जाती है हया अमल के अलावा दी जाती है तो ये वो सहबिय रसूल अब्दुल्ला उमर जो कि अपनी अजान में हया अमल कहा करते थे अब इनके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इमाम अहमद बिन हमल हमारे भाइयों के बहुत बड़े इमाम हैं जो चार इमाम हैं उनमें जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक भी हया अमल कहा जाता था लाबाब हिदुज़म ख़ान साहब इसको लिखते हुए लिखते हैं कि बुखार शरीफ की शर करते हुए कि हदीस से मलूम हुआ कि बिलाल की अज़ान के जो अल्फाज थे वो दो, दो दो बार कहने के हुक्म आते हैं यानी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अषदाशल्ल व श्मा महमद रसौल्ला व शद महमद रसोल्ला फिर आगे जो अजान आती है वो आगे अजान चलती है बल्कि यहाँ पर तो यहाँ पर तो और आगे बात चली गई वो बात यह है कि इमाम अब फरमाते हैं कि अगर किसी ने अकबर की अजान के शुरू में चार चार बार भी कहा यानी कि कहा शादतान तर्जी की यानी कि अकबर के बाद अगर वो शाद यानी अशदा अरदाल्ल् को चार बार भी, चार भी कहे तो जायज़ है उस तरह अशद महमद्ल्ला को दो बार की बजाय चार बार भी कहे तो वो जायज़ है इमाम शाफ़ी का कौल है कि याद तकवीर के अल्फाज को दो बार कहा जाए या इससे ज़्यादा कहने में भी कोई कबात नहीं है यानी अजान जो आजकल रवायत में मिलता है जो दी जाती है वो है दो दो बार मगर इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि अगर आप चार बार भी तो दी जाए तो इसमें कोई कबात नहीं है यानी कि यहाँ पर आपने भी इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक भी अज़ान में अजाफा किया गया है तो हम वो बात नहीं करते जो रसूल दे उसके अलावा हम बात नहीं करते जबकि उमर ने भी कहा है कि वो खुद जब भी जान देते हैं यह अमल को दो बार कहा करते थे और यही ने हीन महमदुआ महम्मद भी अपनी जान में कहते हैं यह आला अमल आओ बेहतर अमल के साथ आओ बेहतर अमल की तरफ़ आओ तोज़ान महतरम हमारी जो अजान है वो सबित है सल सल्हसम के कौल से सबत है असाब पैगम्बर के अमल से सबत है और अहिल बैत पैगम्बर के हुक्म से सबत है वमा अलया अलबलामबीन